किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से और नए तरीके से आलू और पालक के मिक्स पराठे कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताते हैं। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। और आलू और पालक के पराठे बहुत ही हेल्दी बहुत टेस्टी होंगे, अलग तरीके से बनाना बताएंगे। तो आलू और पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है पालक और आलू। तो आलू मैंने बॉईल कर लिया है और पालक को हमें साफ करना है। तो पालक को हम सबसे पहले साफ कर लेते हैं। पालक को मैंने साफ कर लिया है तो इसको बारीक काटना है बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है पालक को। तो पालक मैंने साफ किया था तो इसमें थोड़ा सा पानी था तो पालक को हम बिल्कुल सुखा लेते हैं। तो ये मैंने टॉवल लिया है, टॉवल पे डालेंगे पालक को। जो एक्स्ट्रा पानी होगा सीमापन होता है पालक में थोड़ा थोड़ा पानी है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा पालक में पानी। और हमारे पराठे बिल्कुल अच्छे बनेंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जो इसका थोड़ा भी पानी है वो इसमें जो टॉवल है उसमें सोस लेगा और पालक हमारा बिल्कुल सूखा हो जाएगा। तो इसको हमें 2 मिनट के लिए इसी तरीके से रखना है। और ये मैंने पराठे में डालने के लिए कुछ मसाले लिए हैं। तो ये मैंने देख सकते हैं इसमें अदरक के हैं 4 से 5 टुकड़े और लहसुन की कलियाँ हैं। और ये जो मोटा वाला धनिया होता है 3 से 4 हरी मिर्च है तो इनको हम ग्राइंडर में या हाथ से सिलबट्टे भी बारीक दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इससे जो हमारे पराठे हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इसको हमें हल्का दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पेस्ट बनाना है। तो इस मसाले को मैंने देख सकते हैं दरदरा थोड़ा पीस लिया है। तो मसाला देख सकते हैं हमें इस टाइप का मसाला पीसा है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। अब हम लेते हैं आलू। ये मैंने बड़ा वाला बाउल लिया है, इसमें हमें आलू डालना है। और आलू को आप बॉईल करने से 1 घंटा पहले आप बिल्कुल रख दें ताकि आलू हमारे बिल्कुल ठंडे हो जाएं और उसमें जो पानी होता है वो बिल्कुल भी ना रहे। इससे जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये देख सकते हैं आलू बिल्कुल सूखे हैं, बिल्कुल भी पानी चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है आलू में। अब इसको हमें मैश कर लेना है। आलू देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसमें हमें मसाला डालना है। तो जो मैंने अदरक लहसुन और धनिया ये सब पेस्ट पीसा था तो सभी को डाल देते हैं। और ये मैंने धनिया काट रखा है तो धनिया को भी काट के मैंने सुखा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि उसमें भी थोड़ा पानी सीमापन होता है तो उससे भी हमारे जो पराठे बिल्कुल सूखा रहना चाहिए धनिया भी। ये देख सकते हैं पालक भी हमारा कितना सूखा बिल्कुल खिला खिला हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल सूखा पालक हो चुका है। तो पालक को भी डाल देते हैं। अगर आप डायरेक्ट काट के मसाला बना लेंगे तो आपका जो पेस्ट है वो थोड़ा गीला हो सकता है। अब इसमें हमें सूखे मसाले डालना है। तो ये मैंने 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर ली, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये मैंने गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच नमक लेते हैं, नमक भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये मैंने सूखा वाला धनिया लिया है। ये मैंने 2 चुटकी भर अमचूर पाउडर लिया है, आपको जितना भी खट्टा खाना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये मैंने कलौंजी ली है, आप इसको जीरा भी बोल सकते हैं, काला जीरा। तो इससे जो हमारा पराठे का टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा आता है, इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी लगती है। और ये 2 चुटकी भर अजवाइन डालेंगे। तो ये मैंने पूरा मसाला इसमें डाल दिया है। अब इसको हमें हाथ की मदद से मिक्स करना है। आप चाहें तो चमचे की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं पर हाथ की मदद से आसानी से मिक्स हो जाता है ये मसाला। थोड़े
थोड़े से मोटेपन आलू के रहेंगे तो बेलने में दिक्कत हो सकती है। तो मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको हम साइड में रखेंगे और आटा लगा लेते हैं। तो ये मैंने आटा लिया है, आटे में हम 2 चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और इसमें हमें घी डालना है 2 चम्मच। तो घी मैं गरम करके इसमें डाल रही हूँ और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। आटा हमारा देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट लगा है, कितना मुलायम लगा है आटा, हमें टाइट बिल्कुल नहीं लगाना है आटे को। तो अब इसको हमें साइड में 5 मिनट के लिए रखेंगे। तो 5 मिनट हो चुके आटे को रखे हुए, तो अब हम पराठा बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लोई लेनी है, जितना साइज का आप पराठा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। और इस पे अब हमें सूखा आटा लगाना है। और इसको हमें रोटी की शेप में बेलना है। और इतना ही हमें बेलना है। अब इसके ऊपर हमें आलू का मसाला भरना है इसमें। और इस पेस्ट को आप जितना भी चाहें उतना भर सकते हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है, तो फोल्ड हमें कैसे करना है, इस तरीके से इसको बिल्कुल दबाना है इस तरीके से। और हमें हल्का हल्का मसाले को भी नीचे की साइड में दबाते रहना है ताकि मसाला हमारा बाहर ना निकल सके। और हमें इस तरीके से इसको, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको भी हमें ऊपर किस्से में इस तरीके से लेना है और इस तरीके से बिल्कुल पैक कर लेना है इसको ताकि मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सके। तो देख सकते हैं अब हाथ की मदद से इस तरीके से दबाना है और हल्का सा हमें इस तरीके से करना है इसको। अब फिर से हमें इस पे सूखा आटा लगाना है और बिल्कुल हमें बेलना बिल्कुल हल्के हाथों से है। तो इस तरीके से आप सूखे हाथों से बेल सकते हैं। तो देख सकते हैं दोनों साइड से बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकला है। तो आप जितना चाहेंगे उतना मसाला इस तरीके से भर सकते हैं। अब हम तवे पे डालते हैं। तो तवा को मैंने, तवे को पहले से गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ये हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमें पराठे को डालना है और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब हमें दूसरा भी पराठा तैयार कर लेना है। तो इसको हमें पलट दिया है, अब हमें इस पे घी लगाना है। तो इसको हमें हल्का सा सेकने के बाद में घी या तेल का यूज कर सकते हैं आपके पास में जो भी है। अगर आप घी लगाएंगे तो आपके पराठे ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो दूसरी साइड से भी पलट देते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका मसाला, मैंने पालक ही डाला है तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपके बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकलेगा और बहुत ही अच्छे बनेंगे पराठे। अब इसको हमें सेकना है बिल्कुल कम गैस पे। एक साइड से कितनी अच्छी तरीके से सिक गया है हमारा पराठा। और ये पराठा दोनों साइड से फूल भी चुका है और अच्छे से सिक भी चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा पराठा बिल्कुल कचौरी की तरह फूल चुका है, देख सकते हैं। अब इसको हमें निकाल के दूसरा वाला डालना है और अब हमें सभी को इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये देख सकते हैं पराठा कितनी अच्छी तरीके से फूल भी चुका है और सिक भी चुका है। अगर आप इस तरीके से
पराठे बनाएंगे तो आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बिल्कुल कचौरी की तरह फूलेंगे पराठे आपके, बिल्कुल देख सकते हैं। तो हमारे सिंपल तरीके से आलू और पालक का पराठा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप ये पराठे आप एक बार ज़रूर सर्दी हैं तो पराठे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बिल्कुल जो आपका मसाला है परफेक्टली अच्छे से भरा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।